अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमआरबी टेक सॉल्यूशंस में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो से आप सीखेंगे कि आप एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस शीट में तीन सेक्शंस लिए हैं। एक है इनका, ठीक है, यहाँ पर तब एंट्री होगी जब आइटम्स हम खरीदेंगे या फिर ले आएंगे। ये है आउट वाला सेक्शन, यहाँ पर तब एंट्री होगी जब आइटम या फिर प्रोडक्ट जाएगी, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स का आइटम्स का जो है वो स्टॉक शो हो रहा होगा कि कितनी हमारे पास अभी क्वांटिटी मौजूद है, ठीक है। दूसरी शीट पर मैंने यहाँ पर लिस्ट ली है प्रोडक्ट्स की कि जिन प्रोडक्ट्स का हम स्टॉक मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आईडी वाले सेक्शन में हम आईडी लगाएंगे, ठीक है, आईडी वाले कॉलम में हम आईडी लगाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं आईडीज की, जितनी हमारे पास आईडीज हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे आना है, ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है, लिस्ट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सोर्स पर क्लिक करने के बाद आपने उस शीट पर आना है जिस शीट पर आपने प्रोडक्ट की लिस्ट रखी हुई है। तो मैं यहाँ से लिस्ट बना लेता हूँ आईडीज की, ठीक है, और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आईडी की क्या बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। एक बार याद रखिए, हमने लिस्ट और फॉर्मूला सिर्फ एक दफा ही लगाना है, बार बार हमने फॉर्मूला जो है वो नहीं लगाना, ना ही वी लुकअप फॉर्मूला लगाने के बाद हमें बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस आईडी वाली प्रोडक्ट लेके आनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। मैं यहां पर अप्लाई करता हूं वी लुकअप फॉर्मूला, ठीक है, वी लुकअप, यहां पर लुकअप वैल्यू में इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। आईडी को फॉर्मूला लगाने के बाद टेबल अरे में आएंगे, यहां पर इस शीट पे यहां सेलेक्ट करेंगे ये आइटम्स, ठीक है, जो हमारी लिस्ट बनी हुई है, टेबल बना हुआ, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद, ठीक है, यहां पर आइटम कौन से कॉलम है, दूसरे कॉलम में, उसके बाद कॉमा लगाना है और जीरो लगा देना है एग्जैक्ट मैच के लिए और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइटम या फिर प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनए एरर आ जाएगा। तो एनए एरर से बचने के लिए आपने क्या करना है, इफ वी लुकअप फॉर्मूले से पहले इस एरर का फंक्शन लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद कॉमा लगाने के बाद दो दफा इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको नीचे तक ड्रैग कर लेना है जहां तक आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, और फॉर्मूले को भी नीचे तक ड्रैग कर लेना है जहां तक आप डेटा को रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पूरे सेक्शन को जहां तक हमने फॉर्मूला ड्रैग किया है सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है। दूसरे सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। अब आप देखेंगे जहां पर भी हम आईडी सेट करेंगे ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वर्क करेगा इस सारे एरिया में, ठीक है। हमने सिर्फ एक दफा फॉर्मूला लगाया, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मूला काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ, प्रोडक्ट वन इसकी क्वान्टिटी में रख लेता हूँ 100, ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट है जी टू, इसकी क्वांटिटी कर लेता हूँ 50, और यहाँ पर प्रोडक्ट है जी 3, इसकी क्वांटिटी कर लेता हूँ जी मैं 150, और इसकी 4 की मैं सभी की एक एक एंट्री कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसकी मैं कर लेता हूँ जी 100, ठीक है। और लास्ट पे है जी ये वाली आईडी, इसकी मैं कर लेता हूँ 300, ठीक है, ये वाली होगी यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर शो हो कि कौन सा स्टॉक कितना है, कौन सी आइटम का कितना स्टॉक है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे पास 5 आइटम्स हैं, पांचों को यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पांचों आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर सम इसका फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, ठीक है, इक्वल सम इफ, ठीक है। उसके बाद रेंज में क्या करना है जी, रेंज में ये वाली आईडी वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कॉमा लगाना है क्राइटेरिया में, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर कॉमा लगाना है सम रेंज में, आपने इस
इसको को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, इस कॉलम को ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर स्टॉक जो है अवेलेबल आ जाएगा, ठीक है, सभी प्रोडक्ट्स का। अगर हम यहाँ पर कोई भी एंट्री करेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर ऐड हो जाएगी। ये देखें 250 हो गए। अब आते हैं जी आउट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर भी मैं एक दो एंट्री कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर स्टॉक एक्यूरेट स्टॉक कैसे आएगा। तो मैं फिर कर लेता हूँ जी 50, ठीक है, और इसकी मैं कर लेता हूँ जी 5 नंबर की 150, ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए ये जो हमने फॉर्मूला लगाया था, ये सिर्फ जो स्टॉक इन है उसको काउंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर चाहिए कि जो हमने खरीदी है या फिर जो ले के आए हैं उसमें से माइनस हो जाए जो चली गई है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले सेल पे क्लिक करना है जहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाना है और सम इसका दोबारा यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सम इसका फॉर्मूला लगाने के बाद वही जो है वो तरीका कार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे रेंज, लेकिन इस दफा रेंज हम आउट में सिलेक्ट करेंगे जो आउट वाला सेक्शन है, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया वही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद सम रेंज, सम रेंज हम आउट वाले सेक्शन से लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, बल्कि नीचे आइटम्स नहीं है तो इसको हम यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर शो हो रही है जी सीपीयू की 150 क्वांटिटी शो हो रही है, तो मैं यहाँ पर सीपीयू की एक एंट्री कर देता हूँ, ठीक है, सीपीयू और 50 की मैं क्या करता हूँ एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ गया जी 100। यहाँ पर मैं अगर सीपीयू की एंट्री करूंगा तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी 100, तो वहां पर ऑटोमेटिकली 200 हो जाएगा।